वो भटक रहा था और वो लोग जान के भी अनजान बन रहे थे, किसी के सुनते ही नहीं थे। वो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन क्या इतना ही काफी है कि कोई अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दे दे? सिर्फ अच्छे दिल का नहीं, बड़े दिल वाला था, मस्त मौला। किसी का दोस्त हो तो ऐसा दोस्त हो। बहुत ही दरिया दिल लड़का था, खुद तो शौकीन था ही, लेकिन अपने साथ वालों की भी खूब खातिरदारी करता। मैं किस मुंह से उसे सुधरने को कहता, वो हर बारी पलट कर मुझसे पूछता क्या आप सुधरेंगे पहले। मैं अपने सुहाग और अपने अपनी कोख के बीच पिसी जा रही थी। अगर पति की बात मानती तो बेटा रूठ जाता, और अगर बेटे को लाड़ करती तो पति कहता कि मैं अपने बेटे को बिगाड़ रही हूं। सॉरी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती। अच्छा होगा आप उसे अकेला छोड़ दें। मिलनसार, मस्त मौला, खुश मिजाज, बिंदास, पर भटका हुआ, लेकिन दिल का साफ, चार्मिंग भी। पर जब हमें वो मिला तब वो बिल्कुल वैसा नहीं था। लेकिन ये लड़का था कौन, आपको कहां मिला, खो गया था क्या? खो दिया गया। पॉकेट में मोबाइल वॉलेट कुछ भी नहीं है। जवान लड़का है, किसी अच्छे घर का लगता है। आसपास का सारा एरिया स्कैन किया, बट नथिंग। साहब, सुबह कपड़े धोने निकली थी बादली लेकर, तो देखा यह लड़का पड़ा था, पास जाकर देखा तो मरा हुआ था। ये लड़का यहीं कहीं का है आसपास का? आप लोगों में से कोई जानता है इसे? नहीं साहब, इसे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। इस लड़के को कहीं देखा आपने? याद नहीं आ रहा है ये यहाँ आया है या नहीं आया है, शायद यहां नहीं है। The number you have called is currently switched off. फोन अभी भी बंद आ रहा है उसका। मम्मी, सुनील कुछ पता चला क्या? नहीं मम्मी, वो दो जो बार में पीने बैठता तो सारे बार मैंने चेक किया, पर वो कहीं भी पीने नहीं बैठा था। वो सुनील, फिर वो गया कहाँ होगा? आप टेंशन मत लो बड़ी मम्मी, मिल जाएगा वो। अरे आया क्या? नहीं संजय जी, अभी तक तो नहीं आए, और आएंगे भी तो पहले घर जाकर ही आएंगे ना। समझ में नहीं आ रहा, बताया चला कहाँ गया? हाँ, यहाँ लाए जाने के करीब 9 या 10 घंटे पहले डेथ हुई होगी। 9 या 10 घंटे पहले मतलब कल 15 दिसंबर को रात 11 और 12 के बीच। इसके साथ साथ नशीले दवाइयों के ट्रेसेस भी मिले। मैडम, लाश की फोटो में घोड़बंदर के हर इलाके में घुमा चुका हूँ, लगता नहीं कि यह लड़का यहाँ का लोकल है। मानिक, तुम थाने वेस्ट में भी फोटो घुमाओ, मैं यहाँ ईस्ट में और बाकी के इलाकों में एक टीम डिस्पैच करती हूँ। लक्ष्मण, फोटोग्राफ सारे थानों में फैक्स करवा दो, ईमेल करवा दो, सारे चैट ग्रुप्स में भी तस्वीरें पोस्ट कर दो। वैसे मर्डर तो कल रात को हुआ है, इतना जल्दी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के चांसेस कम लग रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि मर्डर कल रात को हुआ है, लेकिन मिसिंग तो पिछली कई रातों से हो सकता है ना, तब तो कंप्लेंट दर्ज की गई होगी। ये रही, परसों शाम को 5:30 बजे लग गई थी बाइक, काउंटर स्लिप भी है मेरे पास। ये लड़का था जिसने बाइक पार्क की थी? पक्का याद नहीं है, शायद यही था। यहाँ पार्किंग लॉट में कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब,
कभी जरूरत नहीं पड़ती। जी जी, MS03-56Y7 मेरे बेटे की बाइक है। कहाँ मिली? क्या हुआ? उसकी बाइक कुरला स्टेशन की पार्किंग में मिली है। 15 की शाम से वही पार्क थी। कुरला स्टेशन? मैंने उस गोइन भील वाले से भी पूछा था बड़े भैया। अरे इस बाबा को तो खूब पहचानते हैं हम, रोज ही आते हैं यहाँ पानी पूरी खाने। कल शाम अपनी दुकान से निकला था पानी पूरी खाने के लिए। पर कल तो वो आए नहीं, उनका समय फिक्स होता है। पक्का नहीं आया था? साहब झूठ क्यों बोलूंगा आपसे, मुझे तो इसलिए याद है क्योंकि वो यहाँ पर रोज आकर डबल प्लेट पानी पूरी खाते थे मीठी कम, और एक पार्सल प्लेट सेव पूरी का अपने साथ लेकर जाते थे। संजय जी ताजुब हो रहा है हमको, वो कल काहे नहीं आए? अब तो जानते हैं रोज हमको सेव पूरी खिलाते थे। पापा मैं पानी पूरी खाने जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? नहीं बेटा, तू बस खा के जल्दी लौट आ। बस यूं गया और मैं यूं आया पापा। जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर ले आइए। चैट ग्रुप्स में लड़के की दो तस्वीरें फॉरवर्ड हो रही थी, एक में उसे मिसिंग बताया जा रहा था और दूसरे में उसकी लाश को अनआइडेंटिफाइड बताया जा रहा था। मिसिंग कंप्लेन कुरला इलाके के पुलिस थाने में दर्ज थी, अनआइडेंटिफाइड बॉडी हमारे कोटबंदर यूनिट के ताबे में थी। ये फासला तय होते होते 24 घंटे और निकल। कब आई? मेरी नजर अभी पड़ी सर। आशीष जायसवाल? जी आशीष जायसवाल, 24 साल का है और 15 दिसंबर की शाम से गायब हुआ था। और हमें लाश मिली दूसरे दिन 16 दिसंबर की सुबह। क्या कहा पुलिस वालों ने राम भैया? आशीष मिला उन्हें? चाहिए उसे ले आइए, आज तो ऐसी खबर लूंगी उसकी, भाग के कैसे जा सकता है वो। आशीष के पापा क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहाँ है आशीष? आशीष जायसवाल है मेरा भतीजा, आज इसका जन्मदिन है, आज ये 25 साल का हो गया। 15 दिसंबर की शाम को आशीष अपनी बेकरी से निकला। जी हाँ, आशीष के फादर रामकुमार और उसके चाचा संजय ने जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई थी तब यही बताया था। ये रामकुमार जायसवाल और संजय जायसवाल कजिन से, उस इलाके में दोनों की अपनी अपनी बेकरियां हैं, काफी फेमस है सर। ये आशीष रामकुमार की बेकरी से 5:15 बजे निकला पानी पूरी खाने? डेली रूटीन था उसका, इसलिए वो पानी पूरी वाला भी हैरान है ये लड़का उस दिन आया क्यों नहीं। मतलब उसने पानी पूरी नहीं खाई, कहीं और चला गया? डेली रूटीन क्या था उसका, मेरा मतलब पानी पूरी खाने के बाद कहीं और जाता था? जहां तक हमने पता किया, ये आशीष 5:15 बजे अपनी बेकरी से निकलता था और पास के पानी पूरी वाले के पास जाता था, पानी पूरी खाता और एक सेव पूरी पार्सल करवाता था और वापस अपनी बेकरी पर आ जाता। पार्सल अपने पिता के लिए लेता? जी नहीं, अपने दोस्त के लिए, ब्रिजेश कनौजिया, ये उसकी बेकरी के सामने वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है। ब्रिजेश भैया, ये लीजिए आपकी सेव पूरी। अरे आप रोज रोज हमारे लिए काहे ले आते हैं? अरे है ही रोज रोज खाने वाली चीज, आप खाइए सोचिए मत। लीजिए एक ठो तो लीजिए। ना 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 ना, हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो है मिस पानीपुरी, जैसे ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना तो वो बुरा मान जाएंगे, तो आप दोनों दूसरे से गुफ्तगू करिए,
हम निकलते हैं। तरुण, ये आशीष जायसवाल की बाइक तुम्हें कुल्ला स्टेशन की पार्किंग में। जी हाँ, कल दोपहर में। ये आशीष उस भील वाले के पास गया ही नहीं सर, उसने अपनी बाइक स्टेशन पे पार्क की, उसके बाद कहीं और चला गया। उसकी लाश के पास से हमें कोई मोबाइल नहीं मिला। तरुण, आपके पास आशीष का कोई फोन रिकॉर्ड है? आशीष के फोन रिकॉर्ड्स आज मिलेंगे फोन कंपनी से। एक्चुअली हमने रिक्विजिशन भी लेट डाली। आशीष 15 की शाम को गायब हुआ था, पर उसकी फैमिली 16 की शाम को हमारे पास आई थी। 15 की रात भर और 16 के दिन उन्होंने खुद ढूंढा होगा आशीष को। वो लोग बता रहे थे कि आशीष को पीने पिलाने का शौक था। वो रोज शाम को अलग अलग बार में अलग अलग दोस्तों के साथ मंडली जमाता, तो उसका चचेरा भाई सुनील उसे आसपास के बार में ढूंढ रहा था, दोस्तों से भी कॉन्टेक्ट कर रहा था। ये तो पक्का है कि आशीष किसी ना किसी बार में पीने जरूर बैठा होगा, क्योंकि उसके ब्लड में अल्कोहल की काफी मात्रा पाई गई। अब सवाल यह है कि नशीली दवाई उसे किसी पहचान वाले ने पिलाई या फिर किसी और ने। सिर्फ जयसवाल परिवार ही नहीं, अक्खा चौल शोक मना रहे साहब। आज आशीष का जन्मदिन था ना, वो साहब पार्टी रखी थी उसने, घर घर जाके न्योता दिया। अब देखिए आज उसी की अर्थी उठ रही है। अच्छा, सुनने में आया ये आशीष काफी पीता था। हो मैडम, बाप बेटे दोनों पीते थे, लेकिन ना तो कभी किसी का बुरा चाहा और ना ही किसी का बुरा किया। आशीष सिर्फ अपनी आई का लाडला नहीं था, पूरी चौल की जान था वो। आशीष का फोन 15 दिसंबर की रात 9:35 को स्विच ऑफ हुआ। भांडूप, उस शाम उसे कोई और कॉल नहीं आया, ना ही उसने किसी को कॉल किया। बस एक लास्ट कॉल है 8:45 पर, 4445689 इस नंबर पर। और सर फिर 10 मिनट बाद इसी नंबर पर दोबारा कॉल हुआ 8:55 पर। 4445689 पता करो ये किसका नंबर है और आशीष बाइक पार्क करके कहाँ गया। लेकिन अजीब बात, आशीष रोज की तरह पानी पूरी खाकर बेकरी पर वापस नहीं लौटा, लेकिन उसके पिता को कोई चिंता नहीं हुई। फोन स्विच ऑफ हुआ तब चिंता हुई। एक और बात है सर, ये आशीष कुर्ला से घोड़बंदर किसके साथ आया होगा? इसको यहाँ घोड़बंदर में लाके मारा गया होगा या फिर सिर्फ बॉडी डंप की गई है? मुलुंड चेकनाका और दहीसर चेकनाका, इन दोनों जगह की CCTV फुटेज चेक करो। पता करते हैं कि आशीष घोड़बंदर कैसे पहुंचे, जिंदा या मुर्दा। साहब, रामकुमार जी नहीं आए? जो हालत ज्यादा खराब है तो इसलिए मैं चला आया। पीके सो गए, कल इकलौते बेटे की लाश को अग्नि दी है और आज पीकर सो गए। पीना तो रोज होता है सर, पर आज थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बेकरी कैसे चलती है? जैसे तैसे मैनेज हो जाता है सर, पर पहले ऐसे नहीं था। जब हम दो भाई उत्तर प्रदेश से यहाँ के बस गए तब कभी कभार रामकुमार भैया पी लिया करते थे शौकिया तौर पर, लेकिन ये शौक कब लत बन गई पता ही नहीं चला। और लगता है यही लत उन्होंने अपने बेटे को विरासत में दे दी। लाश के ब्लड सैंपल में हद से ज्यादा अल्कोहल के ट्रेसेस मिले। अब क्या बताएं सर, आशीष स्वभाव का बहुत प्यारा बच्चा था पर अपने पिता के नशीले नक्शे कदम पे निकल पड़ा। इकलौता था तो लाड़ प्यार भी हो रखे थे, रोकने टोकने वाला कोई था नहीं और ना सुनने वाला। एक बार तो मैंने ही पकड़ा उसे नशे की हालत में, फिर मैंने जाके रामकुमार भैया को बताया भी था। मेरा बेटा थोड़ा बहुत पी पा लेता है और तुम कह रहे हो कि वो भटक गया। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आशीष ने बहुत पी रखी थी, सोचा आपको बता दें। संजय, तुमने हमने गांव में तकलीफ देखी और यहाँ आकर भी पांव जमाने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। मैं वो तकलीफ अपने बेटे को झेलते हुए नहीं देख सकता। अब देखो, ये जो कुछ भी कमाया है ये सब आशीष के लिए तो है ना। हमारा फर्ज था आपको बताना, फिर ये ना हो भैया कि पानी सर से गुजर जाए। पानी किसके सर के ऊपर से गुजर गया संजय? ऐसा क्या कर दिया आशीष ने? चोरी कर दी, डाका डाल दिया, मर्डर कर दिया, रेप कर दिया उसने। हम दोनों भाई कोई साथ नहीं रहते साहब, काम धंधा भी अलग है हमारा। हमारा बेटा सुनील आशीष का हम उम्र है, हमें डर था कि कहीं आशीष की तरह हमारा बेटा भी बोतल हाथ में ना थाम ले। आपके हिसाब से आशीष को किसने मारा? हमारे हिसाब से आशीष का असली कातिल नशा और शराब ही नहीं साहब, कीमती शौक पालने का नशा। किस तरह के शौक पालता था आशीष? लाश पे से तो आपको कुछ मिला नहीं। आशीष गले में 2-2 चेन, 3 अंगूठियां और कान में सोने की बाली पहनता था। आशीष अपने दोस्तों के साथ पीता था? हाँ सब, और अपने दोस्तों को भी साथ पिलाता था। 15 की शाम को वो किसके साथ बैठा था और किस बार में, वो हमें नहीं पता। संजय जी, आप लोग कुर्ला में रहते हो, घोड़बंदर से क्या कनेक्शन है आप लोगों?
हमारा तो कोई लेना देना नहीं। जी सर, मेरी और आशीष की अच्छी फ्रेंडशिप थी। हमें तुम्हारा नंबर उसके कॉलिंग कार्ड से मिला है करण। उसने तुम्हें 15 तारीख की शाम को एक बार 8:45 पे कॉल किया, उसके बाद दूसरा कॉल 10 मिनट बाद 8:55 पर, लेकिन ये बात तुमने उसके घर वालों को नहीं बताई, क्यों? सर एक तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, और दूसरी बात ये कि मुझे मालूम ही नहीं था कि आशीष उस रात को कहाँ बैठा था और किसके साथ बैठा था। ये जो 2 कॉल उसने तुम्हें किए थे वो किस लिए किए थे? हाँ आशीष बोल भाई। हाँ हेलो, कहाँ है तू? घर पे हूँ, और का ये बता तू कहाँ है? यार मैं तो ये कंचन बार में बैठा हूँ, तिलक नगर वाले। क्या बात है भाई, एंजॉय कर रहा है? बहुत ज्यादा पी लिया है। सुन यार, अकेले घर नहीं जा पाऊंगा, तू आ सकता है क्या पिकअप करने? हाँ ठीक है आता हूँ। कहाँ बोला तू? कंचन बार तिलक नगर वाला ना? सर बस मैं फटाफट खाना निपटा के निकल ही रहा था, उतने में मुझे आशीष का दोबारा कॉल आया। हाँ आशीष। हाँ सुन, तू निकला नहीं ना यार, रहने दे यार, मैं आप थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आई कैन मैनेज। पक्का आशीष? पक्का ना? हाँ पक्का यार पक्का। अपन कल बैठेंगे ना यार लंबे टाइम के लिए, क्यों? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तू संभाल के घर जा। हाँ यार संभाल के। हाँ हाँ। और मैं गया ही नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आशीष गायब हो गया है, मुझे तब पता चला जब उसकी बॉडी मिली। तिलक नगर के कंचन बार में वो किसी के साथ था? किसके साथ था ये तो पता नहीं, पर उसके साथ कोई ना कोई तो जरूर होगा, वो अकेले बैठ के कभी नहीं पीता था। रामकुमार जी, आपका बेटा किसी के साथ घोड़बंदर क्यों गया होगा? कैलाश पता करो इस कंचन बार में आशीष के साथ दूसरा कौन था। जरूरी नहीं कि आशीष का दोस्त किरण सच बोल रहा हो। तो पहले इस किरण के हक में हाथ डालो, अगर सच कहीं अटका है तो खींच के बाहर निकालो। सर वैसे आशीष काफी बिंदास और मौज मस्ती वाला लगता था। राइट सर, पूरा चौल तो यही कहता है, उसकी पीने की बुरी लत के बावजूद चौल के सारे लोग उसे प्यार करते थे। लेकिन कोई तो था जिसे उसका पीना खटकता था, पर इतने के लिए मर्डर। इस कंचन बार को तुरंत स्कैन करो। वो हमारा घोड़बंदर में एक छोटा सा 1 BHK मकान है, ऐसा कहीं लगाना था इसलिए खरीदा था। खाली है? आशीष कभी जाता था वहाँ? जी नहीं, किराए पर चढ़ाया है। फिर तो किराया लेने जाता हो, है ना? जी नहीं, 11 महीने का किराया एक साथ दे देती थी पार्टी। किराया लेने भी जाता तो इतनी रात के वो क्यों जाता हूँ? राम कुमार जी, आशीष रोज एक फिक्स टाइम पर पानी पूरी खाने निकलता था बेकरी से, और फिर खाकर वापस भी लौटता था। बस एक दिन 15 दिसंबर को वो वापस नहीं लौटा तो आपने फोन नहीं किया जानने के लिए? नहीं किया, मुझे पता नहीं था कि वो वापस नहीं लौटेगा। ऐसा कभी नहीं होता था, चाहे जितनी रात हो गई हो, चाहे जितना नशा किया हो, आशीष घर जरूर लौटता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बिना बोले रात में घर से बाहर रहा हो। सावित्री जी, क्या आपके परिवार में किसी से कोई दुश्मनी या बाहर किसी से कोई अनबन? आशीष का बस एक दुश्मन था, नशा। तूने मुझे जुबान दी थी, कसम खाई थी कि तू अब फिर से नहीं पिएगा। मैंने इसे बेकरी से पैसे देना बंद कर दिया, तो फिर ये पीने पीने के लिए इसके पास पैसे आते कहां से हैं सावित्री? कहीं तू तो नहीं देती इसे पैसे? इसने आज घर के सारे काम कर दिए थे, मतलब एक एक काम, इसलिए मैंने दिए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये उन सारे पैसों की शराब पी लेगा। बिजली बिल भर दिया, गैस का बिल भर दिया, टीवी और मोबाइल का रिचार्ज भी कर दिया, सारे काम कर दिया आपके, और ये खरीद लाया मार्केट से, तुमने मांगा नहीं था फिर भी ले आया। वो किचन का डब्बा देखा है, एकदम मोहनजोदाड़ो हो गया, दे दो किसी म्यूजियम में। जब तू इतने अच्छे से सारी जिम्मेदारी निभाता है ना, तो मेरा दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है। और जब कोई मेरी मेहनत का ना मुझे कोई छोटा सा टिप दे देता है, ये कोई 5,000 रुपए, तो मेरा भी दिल फूल के गुब्बारा हो जाता है।
5,000? हाँ माँ, इतने सारे काम कर दिए आपके सवेरे से, अब इतने सारे काम करने का 5,000 तो बनता। तूने बीच में कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, कोई सख्ती नहीं जताई। बेटा मुझे लगा था तुझे पैसे जूं तो कपड़ों के लिए चाहिए, तू उन सारे पैसों की शराब पी गया, ये बहुत गलत बात है। अम्मा, रोज बेकरी बंद करने के बाद पापा वाइन शॉप जाते हैं, वहाँ पे एक क्वार्टर खरीदते हैं और वही क्वार्टर गली में 3 घूटों में अंदर कटक जाते, फिर घर आते हैं पापा। देख, मुझ में और तुझ में फर्क है। क्या फर्क है पापा? आप भी दिन भर बेकरी में काम करते हो, आपके नीचे मैं काम करता हूँ, काम में अगर मेरे कोई कमी हो तो बताइए ना। तू अभी सिर्फ 24 साल का है, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। ये सब छोड़िए, आप लोग एक बात मुझे बताइए, आज तक इस घर में आपको कोई शिकायत लेके आया कि तुम्हारा लड़का शराब पी के बदतमीजी कर रहा था, नाली में गिरा पड़ा हुआ था, अपनी लिमिट नहीं मालूम है, या फला लड़की को छेड़ रहा था, किसी ने बोला कुछ? और ऐसा भी नहीं कि पैसे नहीं होते तो मैं किसी दूसरे के घर में जाके उससे उधार मांग के शराब पी रहा हूँ या चोरी चकारी कर रहा हूँ। और आप दोनों का मुझे ये शराब को लेके ऐसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मा आपका भी, मेरे दिल में आता है तो मैं पी लेता हूँ, मेरे दिल में नहीं आएगा तो मैं नहीं पीऊँगा। सोना पसंद था उसे, हमने कहीं मना नहीं किया, बना दिया उसके लिए अंगूठियां, चेन, जो उसने कहा। लेकिन एक बात बोलूं, वो पीता पीता था लेकिन उसूलों का बड़ा पक्का था, कभी अय्याशी नहीं की, कभी किसी औरत के साथ उसने बदतमीजी नहीं की। एक लड़की से प्यार किया, वो भी उसने हमें आकर बता दिया, और हमने भी उसे दिल से मंजूरी दी, उसकी तो उसके साथ शादी होने वाली थी। कौन थी ये लड़की जिससे आशीष शादी करने वाला था? हाँ अदिति, मैं कल से ज्वाइन करूंगी। ओके, तो शरद सर से कह देना कि नहीं, कुछ मत कहना, कहना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। शिल्पा बेटा बाहर ही, पुलिस आली। साहब, अगर ये रेगुलर कस्टमर होता तो मैं फटक से पहचान जाता। वैसे 15 की रात को मैं होटल में नहीं था साहब। आपके बार में CCTV है? नहीं साहब। नहीं, क्यों? वो अभी तक लगवा है नहीं साहब। किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी जल्द से जल्द लगा दूंगा साहब। आपके बार में कोई तेज नजर वाला, कोई तेज यादाश्त वाला वेटर है? वैसे सभी तेज है, पर मुझे नहीं लगता है कि वो लोग याद करके बता पाएंगे। आप बोलते हैं तो मैं अभी उन लोगों को पूछ लेता हूँ सर। अभी जाकर पूछो कि 15 तारीख को आपके बार में ये लड़का किसके साथ था। सर, आशीष ने बाइक कुरला स्टेशन पर छोड़ी और वहाँ से यहाँ चल के आने में कम से कम 10 मिनट लग जाते। उसने बाइक स्टेशन पर छोड़ दी, मतलब उसके साथ 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। हाँ सर। सर, यहाँ से कुरला स्टेशन के रूट पर कोई ना कोई दुकान तो होगी जिसके CCTV में शायद ये लोग दिख जाएं। जाओ और जाकर खंगालो इस रूट के CCTVs। जी, आशीष मेरा बॉयफ्रेंड था। सिर्फ बॉयफ्रेंड? आशीष के माँ बाप तो कह रहे थे कि शादी की बात चल रही थी, और सुना आप लोगों ने भी मंजूरी दे दी थी। हाँ, हमारी मंजूरी थी, मगर आशीष को कुछ बातें मंजूर नहीं थी। कैसी बातें शिल्पा? आई पक्का तुझे कोई एतराज नहीं है? हाँ बेटा, अरे भले ही वो परप्रांत का लड़का है लेकिन कितने साल हुए हमारे पास में ही रहता है, अच्छा लड़का है और उसके घर वाले भी अच्छे लोग हैं। शिल्पा, एक बात फ्रेंकली बोलो। हो दादा। आशीष और तेरी बचपन की दोस्ती है, प्यार हो गया, समझते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू ग्रेजुएट है, कॉल सेंटर में जॉब करती है, और वो आशीष 12वीं फेल है, अपने बाप की बेकरी चलाता है। चल, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रोज रात को दारू पीता है, तू बेवड़े से शादी करेगी क्या? कुछ भी हाँ दादा, बेवड़ा वगैरह बोलू ना कुछ आशीष ला। इस उम्र में जो रोज शाम को दारू पीता है उसे बेवड़ा नहीं तो क्या बोलूंगा मैं? और उसके पूरे घर वालों को पता है, वो उसके चाचा संजय चाचा उनको भी पता है, सब जानते हैं, लेकिन बेवड़ा शब्द बोलने से रह जाते। आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं दादा, आशीष उतनी भी ज्यादा शराब नहीं पीता। उसे पूछ के देख कि वो शराब छोड़ने के लिए तैयार है कि नहीं। लेकिन वैसे तो आशीष अच्छा लगता है ना आपको? शिल्पा, मुझे तू अच्छी लगती सबसे ज्यादा। किसी दिन शराब पीकर उसने तेरे पे हाथ वात उठाया ना तो तू तो प्यार का सोचकर झेल लेगी, लेकिन मैं नहीं झेलूंगा। आई शब्द, एक मिनट, तूने आज तक मुझे पिए या बिना पिए किसी पे हाथ उठाते देखा है क्या? नहीं। तो फिर तू ड्रिंक क्यों करता है? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार, ये क्या बात हुई? देख आशीष, तू पीना छोड़ दे,
मेरे आई दादा अग्री हैं, तेरे मम्मी पापा अग्री हैं, मैं भी अग्री हूँ। वाह, तो तू ही अग्री नहीं थी अब तक। आशीष, बाबू पीना अच्छा नहीं होता। ठीक है, बहुत सारी चीजें अच्छी नहीं होती, लेकिन लिमिट के बाहर। मुझे अपनी लिमिट मालूम है और मैं शौक से पीता हूँ। जैसे अंगूठी, ये मेरा शौक है, ये गले की चीन, ये मेरा शौक है। मुझे ये किसी शराबी की तरह ट्रीट मत कर, समझी? हाँ, तो शराबी रातों रात तो नहीं बनते ना, रोज पीते पीते ही बनते हैं। तुम भी बन जाओगे और फिर मुझे पीटोगे भी। मैं ये सब नहीं झेलूंगी, हाँ कह देती हूँ। कैसी बात कर रही है तू? तुझ पर हाथ उठाऊंगा मैं, हाँ मेरी जान पर। जान होना तेरी, तो फिर अपनी जान के लिए एक शौक नहीं छोड़ सकते तू? आशीष, तुम्हें चुनना होगा, जान या शराब। यार ये कैसा धर्म संकट है यार? कोई धर्म संकट नहीं है आशीष, 6 महीने तक तुम एक ड्रॉप भी नहीं पियोगे, तभी हमारी शादी होगी। उसने फैसला कर लिया था, उसके लिए मुश्किल नहीं था, मगर मेरे लिए। थैंक्स आशीष, कम से कम तुमने मेरी आंखें तो खोल दी। ऐसा नहीं है यार, लेकिन मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, और तू भी मुझ पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकती है, समझी? तुझे तेरी शराब उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसे तू प्यार समझता है। और जिसे तू प्यार समझती है वो प्यार नहीं, लगाम है। मैंने तुझे कोई चीज छोड़ने पकड़ने को बोला क्या? तुझे कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी आशीष, क्योंकि मैं हमेशा पूरी की पूरी तुम्हारी रही हूँ। मगर तुम शराब के कब बन गए ये मुझे पता ही नहीं चला। 6 महीने पहले हुआ था ये, कहने को तो ब्रेक ऑफ था, मगर मैं जानती थी आशीष और मैं वापस जरूर मिलेंगे, वो मान जाएगा। और मैं तब तक वेट करने के लिए तैयार थी मैडम, जब तक आशीष शराब नहीं छोड़ देता। मगर आशीष तो मुझे ही छोड़कर चला गया। किसने मैम, किसने मार डाला मेरे आशीष को? कादिर, मैं अपने कांस्टेबल चौल में नहीं भेजना चाहती हूँ, पर मुझे आशीष की गर्लफ्रेंड शिल्पा मोरे का बड़ा भाई संदीप मोरे, इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है मैडम, स्पॉट लगा देता हूँ इस संदीप मोरे के पीछे। शिल्पा आशीष के अलावा किसी और से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने आशीष के सामने दारू छोड़ने की कंडीशन भी रखी थी। समझे मैडम। लेकिन आशीष दारू छोड़ने को रेडी नहीं था, मतलब संदीप के पास एक बहाना था शिल्पा की जिंदगी से आशीष को आउट करने का। मतलब जिंदगी से आउट? कुर्ला स्टेशन और तिलक नगर, जहां पर कंचन बार, और हमें उसकी लाश मिली यहां गोडबंदर की खाड़ी के पास। सर, वो 2 या 3 जितने भी लोग थे शायद आशीष को जानते थे। आशीष का दोस्त किरण अब भी हमारी रडार में सर, हालांकि उसके फोन लोकेशन रिकॉर्ड शो करते हैं कि 15 की पूरी शाम और रात को वो अपने घर पर ही था। ये किरण उसके कई दोस्तों में से एक था ना, उसके कई ड्रिंकिंग पार्टनर थे जिन्हें वो पूरी दिलदारी के साथ पिलाता था। जी हाँ सर, इनमें से कई सारे दोस्तों को उठाकर मैंने क्वेश्चनिंग भी की। सर ये सच है कि हर बार ड्रिंक्स का बिल वही भरता था, लेकिन हम कभी कभार ही बैठते थे उसके साथ। वो कई लड़कों को पिलाता, उन्हीं में से मैं भी एक था, लेकिन उस रात में उसके साथ नहीं था। सर हर बार बिल वही भरता था और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मुझे उसके साथ बैठे 1 साल के ऊपर हो गए, उसके लास्ट बर्थडे पर बैठे थे। सर ऐसे टोटल 19 पीने वाले पार्टनर्स कम दोस्तों से बात की मैंने, उनके कॉल रिकॉर्ड्स क्लीन है। मर्डर की रात को आशीष के आसपास भी नहीं थे ये लोग। सर 15 दिसंबर की शाम को आशीष ने अपने किसी भी दोस्त को फोन करके बुलाया नहीं, पर शायद जब वो पानी पूरी खाने गया होगा तब उसे कोई रास्ते में मिला होगा। आशीष, आशीष कैसा है भाई तू? हमेशा की तरह मस्त, तू बता कहाँ था इतने दिन? बस भाई तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बोलना क्या बात है। तुम्हारा अनुमान सही लग रहा है, तुम्हारी थ्योरी भी सही लग रही है। वो 2 या 3 लोग होंगे जो बाइक पर नहीं आ सकते थे, इसलिए आशीष ने अपनी बाइक कुर्ला स्टेशन पर पार्क कर दी होगी। सर शायद आशीष को मालूम होगा कि हैवी ड्रिंकिंग होने वाली है और वो बाइक चला नहीं पाएगा, इसीलिए उसने अपनी बाइक पार्किंग में ही रहने दी होगी और अपने दोस्त किरण को फोन करके बुलाया होगा। ये पॉसिबिलिटी भी लग रही है। वो जो लोग भी थे जो आशीष को मिले या उसे मिलने के लिए भेजे गए, उनका पहले से प्लान था आशीष को मारने का। आशीष के गले की चेन्स, कानों की बालियां और अंगूठियां, ये सब निकाले गए। अगर नहीं निकाले जाते तो शक डायरेक्ट मर्डर पर जाता, जो कि अटैक का असली मकसद था। अगर मोटे मर्डर का था सर, चोरी का नहीं, तो एक सवाल उठता है, कितने खुश मिजाज और पॉपुलर यंग लड़के के कत्ल का कारण क्या हो सकता है? सब पीने की आदत, शायद आशीष की पीने की आदत से किसी को कोई प्रॉब्लम थी। पीता था इसलिए मार डाला। मर्डर का ये मोटिव थोड़ा हल्का लग रहा है,
पर हमने मर्डर्स किन किन कारणों से होते नहीं देखे, इसलिए मैं इसको रूल आउट तो नहीं करूंगा। सर अगर हम ये फैक्ट पकड़ के चले कि पीता था तो मार डाला, तो हमारे सामने तीन सस्पेक्ट है। पहला आशीष के माँ बाप, दूसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल, और तीसरा आशीष के चाचा संजय जायसवाल का बेटा सुनील जायसवाल। शिल्पा को रूल आउट नहीं करते हैं सर। आशीष ने शराब की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, काफी स्ट्रॉन्ग मोटिव बनता है। सर शिल्पा का भाई संदीप, संदीप को भी आशीष पे काफी गुस्सा रहा होगा। या फिर कोई और करीबी बंदा या बंदी जिसे आशीष के पीने की आदत से चोट पहुंची होगी, दर्द हुआ होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था रामकुमार, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सबकी मदद करता दयालु लड़का था, कभी कोई गलत काम नहीं किया, कितना साफ दिल था आशीष बाबू। क्या कर सकते हैं आप जब आपकी आंखों के सामने आपका लाडला धस रहा हो खतरों के दलदल में, पर मदद के लिए दिया हुआ हाथ भी नहीं पकड़ रहा और ना ही आपकी आवाज सुन रहा। हाँ दिल का बहुत साफ था आशीष, ऐसे साफ दिल वाले लोग दुनिया में कहाँ मिलते, मतलबियों की दुनिया। वो दिल खोल कर पैसे उठाता और हर कोई दोस्त बनकर पीने आ जाता, क्या पता इनमें से किसी ने उसे मार डाला या फिर किसी और ने, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। सर गुड लक है, कुरला स्टेशन से कंचन बार की तरफ जाने वाले रोड पर एक हार्डवेयर शॉप है जिसके पास सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। हाँ मैडम, मैडम ये शिल्पा के भाई संदीप के बारे में कुछ खास खबर नहीं मिली अब तक। ये एक मेडिकल कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में सर्विस करता है मैडम। हाँ मैंने फोन रिकॉर्ड्स खंगाले पर कुछ खास मिला नहीं। कैथरी सर, एक सीसीटीवी में आशीष दिख गया है, उसके साथ वो बंदे हैं लेकिन उनके चेहरे नहीं दिखे। ये तो अच्छा है ना सर, पीठ से भी काफी कुछ पता चल सकता है। आशीष के कॉलिंग कोड से भी हमें कुछ मिला है, 15 दिसंबर की दोपहर को 1:30 बजे उसके चाचा संजय जायसवाल ने उसे कॉल किया था। ये चाचा हमारे शक के दायरे में पहले से ही था तो मैंने इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। पता चला कि इसने ये जो कॉल किया था 1:30 बजे आशीष को, ये घोड़बंदर से किया था। सर रामकुमार का कजन ब्रदर है संजय जायसवाल, इसके भी कुरला में वैसी ही एक बेकरी है लेकिन रामकुमार की बेटर बिजनेस करती है। और इस संजय जायसवाल को अपने भाई रामकुमार से शिकायत थी कि वो अपने बेटे आशीष को भटकने दे रहा है, क्योंकि उसे लगता था कि इसके चलते उसका बेटा सुनील भी भटक सकता है, शराब पीनी शुरू कर सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये चाचा घोड़बंदर के सुनसान इलाके में लोकेशन देखने गया हो जहां वो आशीष को मार सके, और ये उसके आदमी थे जो आशीष को वहां ले गए और उसे खूब शराब पिलाकर मार दिया। पॉसिबल है। तो उठवाएं इस चाचा को सर। अभी नहीं, पहले सीसीटीवी के ये दोनों बंदे या दोनों में से कोई एक आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद धर लेंगे मास्टर भाई। मम्मी मैं बेकरी जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, संभाल के जाना। हाँ सर, 6:05 पर तीनों दिखेंगे, आशीष और उसके साथ के बाकी दोनों। नो डाउट ये आशीष है, साफ दिख रहा है, लेकिन बाकी दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं सर। सर पर सब एक ही उम्र के लग रहे हैं, लगता है इन्होंने अपनी बाइक पार्किंग लॉट में छोड़ी और बार की तरफ बढ़ गए। गुड जॉब मालिक, बढ़िया काम किया तुमने। थैंक यू सर। अब इसी जोश के साथ आसपास के जो दूसरे सीसीटीवी है वो भी स्कैन करो, अगर ये एक बार भी हमें बार में जाते वक्त या बार से निकलते वक्त दिख जाए तो समझो केस क्रैक होना शुरू। सर हर मुमकिन जगह पर ट्राई कर रहे हैं, दो कांस्टेबल्स चेंबूर और घाटकोपर तक चेक कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इनकी पीठ देखकर इनके कोई चेहरे पहचानता है क्या। नहीं सर, मुझे नहीं पता कि ये दोनों कौन है।
क्या ये दोनों आशीष के दोस्त हैं जिन्हें आप जानते हैं या इस चौल में रहते हो? ये सॉरी मैडम, मैं आशीष के उन दोस्तों से ताल्लुक नहीं रखती थी जिनके साथ वो शराब पीता था, इसलिए आप ये समझ लीजिए कि उसके एक भी दोस्त को मैं नहीं जानती थी। जानती नहीं हो पर शायद तस्वीर देख के पहचान सकती हो। ये देखो, ये लाल स्वेटर वाला बंदा, इसे पहले कभी देखा है? ना, ये दोनों कुछ पहचाने से नहीं लगते। और वैसे भी आशीष के दोस्तों को मैं कैसे पहचानूंगा? सुनील उर्फ सनी, तुम आशीष के हम उम्र हो तो तुम्हारे कॉमन फ्रेंड्स तो होंगे ही। नहीं सर, मैं सिर्फ आशीष भैया से क्लोज था, उनके दोस्तों से नहीं। इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों में से ऐसा कोई है जो आशीष का दोस्त हो? आशीष जब तुम्हें रोज सेवपुड़ी पार्सल देने आता था, कभी देखा उसके साथ किसी को? साहब वैसे मुझे जब सेवपुरी देने आते आशीष बाबा हमेशा अकेले ही रहते, और साहब वैसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है दोनों? पूरी जिंदगी वेट करेगी उसका और वो पूरी जिंदगी पीपी के बर्बाद करेगा। शिल्पा हर तरह से अच्छे और एक से एक रिश्ते आ रहे तेरे लिए, तुझे ना आशीष के भूत को बुलाना होगा। शिल्पा बेटा, संदीप बिल्कुल ठीक कह रहा है, आशीष कभी दारू नहीं छोड़ेगा। आई दादा, मुझे आशीष पर पूरा भरोसा है, वो पक्का शराब छोड़ देगा और सीधा मेरे पास आ जाएगा। साहब घाटकोपर के मोमिन बाड़ी से बोल रहा हूँ। एक बंदा है जो 15 दिसंबर की रात से गायब था और आज एक जोहरी के पास अंगूठी बेचने निकला है। कौन है ये? यूसुफ खान नाम है, कोई हिस्ट्री नहीं है अब तक लेकिन बंदा काफी चैप्टर है। और यही मोमिन बाड़ी से एक और पंटर है नबील, साथ लफड़े करते हैं। और ये नबील भी 15 की रात से ही गायब था, आज 22 को ही उभरा है। सर इकबाल खबरी का कहना है कि लाल स्वेटर वाला यूसुफ हो सकता है और ये बगल वाले नबील, ये दोनों पिछले एक हफ्ते से गायब है। ले आओ दोनों, पता तो चले एक हफ्ते से साले कहानी मून बना रहे थे। अरे साहब रुको, अरे हमें क्या लल्लू पंजू समझ के रखा है क्या कि जब चाहे हमारे लड़कों को उठा के लेके जा रहे हो? हमारा ना लेना ना देना कहीं कुछ हुआ आ जाते हैं हमारे लड़कों को परेशान करने। ओ साहब बताओ तो सही, हम लोग क्या किए ले साहब? ईमानदारी से काम कर रहा हूं, अब काम के लिए मुंबई से बाहर जाना गुनाह कब से हो गया? अरे एक बात याद रखना साहब, मेरे लड़कों को खरोच भी आई ना सस्पेंड करवा दूंगी तुम सब लोगों को, आखिर मुंबई बंद करवा दूंगी, समझे तुम लोग? जीनत खान नाम है मेरा, जीनत खान। सब माँ कसम, हम लोग को मालूम ही नहीं है कि आशीष जायसवाल कौन है क्या है। सब ये नाम तो हम लोग ने पहली बार सुने ला। ये लाल स्वेटर वाला तो तू है, ये कौन है? तू है नबील या फिर तुम्हारे गैंग का कोई तीसरा आदमी है? साहब आप क्या बोल रहे ले? ये मैं हुई नहीं साहब। साहब आप भी जानते अपन है ही नहीं साहब। ये अंगूठी किसकी है जिसे तू बेचने की कोशिश कर रहा है? मेरी है साहब। बिल कहाँ इसका? साहब ये बहुत पहले की है तो बिल गुम हो गया साहब। यूसुफ, हमने सुना था कि तेरी अम्मी हम सबको सस्पेंड करवाने वाली थी। अरे साहब वो गुस्से में बोल दी होगी, माफ कर दो ना। गुस्से में नहीं, डर से बोली, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम 15 दिसंबर की रात को क्यों गायब हुए, और वो ये भी जानती है कि आज एक हफ्ते के बाद तुम लोग सामने क्यों आए। अब उसे उठवा कर पूछवाएं या तू खुद बोलेगा? साहब हम लोग वाकई आउट ऑफ मुंबई गए लेते साहब काम से। हाँ साहब काम के वास्ते ही गए थे हम लोग बाहर, और मर्डर वर्डर अपना लाइन है ही नहीं साहब। तो फिर क्या लाइन है तेरी? शर्माओ मत, यहाँ सब अपने ही लोग हैं। बोल। हाँ माने, कुछ मिला क्या? फेसिंग मिल गया मैडम। कहाँ मिला? यहीं तिलक नगर में, कंचन बार से 15 मिनट की दूरी पर एक वाइन शॉप है जिसकी सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दारू खरीदते हुए दिखा है जो कि आशीष के साथ चल रहे दो लड़कों में से एक लग रहा है।
ये और ये एक ही है, सेम शर्ट। इन्होंने और शराब खरीदी और फिर यहां से निकले होंगे गोट बंदर की ओर। सर ये नबील तो नहीं है, और अगर वो रेड स्वेटर वाला यूसुफ है तो ये कोई तीसरा बंदा होना चाहिए। सर जैसा कि हमने शुरू में अनुमान लगाया था, दो तीन लोग थे, शायद तीन थे। यूसुफ यहाँ है और ये तीसरा यहाँ है। नबील सीसीटीवी कैमरे के फ्रेम से शायद बाहर रह गया हो। भाई पुलिस को क्या बोलना है? बोलना क्या है, वो ही बोलेंगे कि हम लोग कुछ नहीं खेले हैं, ना यहाँ ना वहाँ, समझा? समझा। बस मेरी अम्मी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम लोग कुछ लफड़ा किए हैं, नहीं तो अम्मी उधर के उधर हाथ खड़ा करेंगी यार। सर जो सोने की अंगूठी इन्होंने बेची, वो अंगूठी हमने रिकवर की जौहरी की दुकान से, लेकिन आशीष के पेरेंट्स और उसकी गर्लफ्रेंड शिल्पा का कहना है कि अंगूठी उसकी नहीं है। सर शौकीन बंदा था, हो सकता है उसने ये वाली अंगूठी खरीदी और अपने घर वालों को ना बताया हो। और सर शिल्पा से तो वो कई अरसे से नहीं मिला था, और ये वाली खरीदी हो शायद वो अपने पॉकेट में रखता हो या वॉलेट में रखता हो। इस यूसुफ और नबील की जोड़ी का कुछ ना कुछ झोल जरूर है। मर्डर के तुरंत बाद दोनों गायब हो गए, दोनों ने अपने फोन स्विच ऑफ किए, फिर अचानक से अंगूठी भेजी। पता करते हैं कि मर्डर का मकसद लूट था या फिर दोनों को मर्डर करने के लिए किसी और ने भेजा था। इस यूसुफ और नबील के मूवमेंट सस्पिशियस तो थे, पर क्या इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स और लोकेशंस उन्हें मर्डर से डायरेक्टली लिंक कर रहे थे? नहीं, डायरेक्ट तो कोई लिंक नहीं बन रहा था। मर्डर काफी प्लान तो लग रहा है सर, ये यूसुफ नबील और वो तीसरा बंदा जो सीसीटीवी में दिख गया था, इन तीनों ने मिलकर आशीष का मर्डर किया होगा। और प्लान कुछ ऐसा बना होगा कि शराब में नशीली दवाई मिलाकर आशीष को पिला देना और किसी तरह उसे गोड़बंदर ले जाके वहां पे मार देना। प्लान क्लियर था, आशीष जायसवाल का मर्डर। इस प्लान को सामने लाने में समझने में हमें कम से कम एक महीना और लग गया। उस वक्त हमें एक चीज मालूम नहीं थी, हमने जिन जिन लोगों को हार्डवेयर शॉप का सीसीटीवी ग्रैब दिखाया सभी ने उसे देखकर यह कहा कि वो इस बैक टू कैमरा पिक्चर को नहीं पहचानते। पर एक इंसान था जो झूठ बोल रहा था, दरअसल उसने कातिल को पहचान लिया था। को मर्डर करने के लिए किसी और ने भेजा था। ये कौन है साहब? बेटा चश्मा लगाने के लिए ना, अभी तो थोड़ा यंग है। सच बोल रहे साहब, अब उनको नहीं मालूम ये कौन है। तीन लोग जिन्होंने आशीष को खूब पिलाई तिलक नगर के कंचन बार, फिर मेहुल वाइन से और शराब खरीदी आशीष को और पिलाने के लिए, फिर उसके ड्रिंक्स में नशीली दवाई मिलाई और घोड़बंदर ले जाकर उसका कत्ल कर दिया। उन तीनों में से एक का नाम है यूसुफ खान और दूसरे का नाम है नबील बेग। मुझे बस इस तीसरे का नाम जानना है। साहब आप ऐसे हम दोनों का उस आशीष जायसवाल से कोई नाता नहीं जोड़ सकते साहब। साहब हम लोग को मालूम ही नहीं है कि वो है कौन, आप लोग समझ ही नहीं रहे हो साहब। साहब आप लोग ना हम दोनों को गलत अंदर खेले हो साहब। अभी के लिए मैं छोड़ दूंगा तुम दोनों को, घर तक ड्रॉप भी करवा दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि अगर तुम दोनों गलत हो तो फिर वो सही कौन है जिन्होंने आशीष का मर्डर किया? शक पर उठाया, शक पर मतलब आपको जिस पर शक हुआ वो गया अंदर है? मतलब कानून वानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? आपका बेटा यूसुफ और उसका दोस्त नबील 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच कहाँ थे? जहाँ भी थे, काम पर थे, बालिग लड़के हैं साहब। आपके बेटे यूसुफ के पास ये अंगूठी कहाँ से आई? कमाऊ लड़का है। कैसे कमाता है? चोरी करके, मर्डर करके? अब एक अंगूठी के लिए आप मेरे बेटे को खूनी बोल रहे ले? वो ये अंगूठी चुपचाप बिना बिल के बेचने की कोशिश कर रहा था। हाँ तो डायरेक्ट खूनी? आप ताबड़तोब मेरे बेटे को और उसके दोस्त को छोड़ दो, वरना मैं कोर्ट तो जाऊंगी ही जाऊंगी, पूरी बस्ती को, अरे पूरे मुंबई को लेकर हड़ताल करेगी। हमें धमकी देने के बजाय अपने बेटे को नसीहत हो, अगर वो दोनों सबूत के साथ ये साबित करते ना कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच वो कहां थे, उनके मोबाइल क्यों बंद थे, तो हम उन्हें छोड़ने की सोच भी सकते, वरना वो दोनों बहुत सड़ेंगे और पूरी तरह से सड़ेंगे। ये यूसुफ और नबील है। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है। आशीष के साथ कभी? नहीं मैडम, इन दोनों को कभी आशीष बाबा के साथ नहीं देखा। सर मैं जिन लोगों को जानता हूँ जो आशीष के दोस्त है उनमें से ये दोनों तो नहीं है, और ये यूसुफ नबील इनको तो मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं।
आशीष के चाचा संजय जायसवाल ने भी नहीं पहचाना इन दोनों को, ना उनके बेटे सुनील ने। पैसा खर्च करने वाले शराबियों के पास दोस्त ही दोस्त होते हैं गायत्री, और ऐसे पीने के शौकीन लोगों के लिए ऐसे फाइनेंसर किसी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं होते, और ऐसी दोस्तियां चंद मिनटों में हो जाती है। करेक्ट सर, यूसुफ और नबील ने भी लास्ट मिनट पे आशीष को दोस्त बनाया होगा और लालच में आके आशीष का मर्डर कर दिया होगा। सर वैसे इन दोनों ने अभी तक बताया नहीं है कि 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच ये दोनों कहां थे। सर इस यूसुफ नबील के फोन 15 की दोपहर को थाने के पास स्विच ऑफ हुए, दोपहर 1:30 बजे। थाने में 1:30 बजे? इसी टाइम पर आशीष के चाचा संजय जायसवाल ने आशीष को फोन किया था गोडबंदर से। जी हाँ सर, इस चाचा को उठवाने का टाइम आ गया सर। लगता है ये चाचा ही मास्टरमाइंड है। यूसुफ नबील और वाइन शॉप की सीसीटीवी वाला वो बंदा, हो सकता है कि चाचा ने इन तीनों को सुपारी दी आशीष के। सर संजय जायसवाल आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ, कुछ खबर मिली? दिसंबर की थोड़ी धुंध है, लेकिन उसे हटाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। मैं कैसे? चलो खाना खाते हैं। भैया बुरा ना मानिए आप, पर ये दिन में क्यों पी रहे हैं आप? क्या दिन क्या रात, अंधेरा ही अंधेरा है ब्रजेश। दिन का सूरज ढल गया, रात का चिराग बुझ गया, हम कहीं के नहीं रहे ब्रजेश। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को आग दिया है, फिर भी ऐसा लगता है कि वो अभी मोटरसाइकिल पर बैठकर आएगा मुस्कुराता हुआ। आपको पता भी है कितना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे? भाई है मेरे वो। कौरव और पांडव भी तो भाई थे। राम लक्ष्मण भी थे। राम भाई मेरे लिए किसी राम से कम नहीं थे। राम भाई साहब हमारे गाँव यूपी से यहाँ आए थे जिंदगी बसाने के लिए, उनके पीछे पीछे हम भी चले आए। हमारा हाथ पकड़ के उन्होंने कारोबार करना सिखाया, सहारा दिया, और आप पूछ रहे हैं कि मैंने किराए के हथियारों से अपने ही भतीजे की हत्या करवा दी, मरवा दिया उसको? आशीष को मरवाना सनी को मारने के बराबर है। सपने में भी कोई अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकता साहब। अपने सपने पूरे करने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। खैर अभी के लिए सपने एक साइड करते हैं और हकीकत पर आते हैं। 15 दिसंबर दोपहर 1:30 बजे आपने आशीष को फोन किया, कहां से? गोडबंदर से। वही गोडबंदर जहां की खाड़ी से हमें आशीष की लाश मिली। सर संजय चाचा वाला एंगल लाइव रखते हैं, बट मुझे शिल्पा मोरे के भाई संदीप मोरे पे भी शक तो हो ही रहा है। लेकिन गायत्री संदीप के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं था, तुम ही ने चेक किए थे ना? सर पर उसके दिल में तो काफी कुछ रहा होगा ना, इतना गुस्सा रहा होगा कि उसकी पढ़ी लिखी बहन एक शराबी से प्यार कर बैठी और अब शादी होने वाली है। सर संदीप के पास तगड़ा मोटिव है आशीष को रास्ते से हटाने का, ताकि उसकी बहन किसी और लड़के से शादी के लिए तैयार हो जाए। यस सर, इधर आशीष दारू छोड़ नहीं रहा था और उधर शिल्पा उसके इंतजार में सूखी जा रही थी। सर भाई था, गुस्सा आ गया, और सर ऐसे गुस्सा आना तो नेचुरल है। लेकिन मर्डर नेचुरल नहीं गायत्री? कैसे क्या जोड़ रहे हैं आप? मैंने एक फोन क्या कर दिया आशीष को, मैं उसका कातिल हो गया? आपने उसे फोन क्यों किया था? अरे भतीजा था मेरा, दुनिया भर की बातें होती थी, अपने को फोन करने के लिए कोई कारण लगता है क्या? मुझे ये जानना है कि आशीष के साथ आपकी बात क्या हुई। काम की बात हुई थी। अरे बेटा आशीष बेकरी के लिए निकल गया। घर पे हूँ चाचा, मम्मी पापा के लिए डब्बा पैक कर रही हैं। हाँ मैं लेते हुए जाऊंगा बेकरी पे। आप बोले कोई जरूरी काम था क्या? अरे बेटा हम घोड़बंदर आए हैं, वहाँ तेरा भाई सनी अकेला है, बेकरी में ताजे पाव लाने थे बेटा। बताइए कितनी लादियाँ उठा ले ये रफीक पाव वाले से? 10 नरम और 2 लादियाँ कड़क उठा ले बेटा। डन डना डन डन। और आशीष ने सनी तक पाव की लादियाँ पहुँचा दी, बस यही बात करनी थी। घोड़बंदर में उस वक्त आप क्या कर रहे थे? राम भैया ने घोड़बंदर में वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर फ्लैट लिए थे, वैसा मैं भी चाहता था, उनका ब्रोकर मुझे फ्लैट दिखा रहा था। उस ब्रोकर का नाम, नंबर, कौन कौन से फ्लैट देखे, कौन कौन सी कॉलोनीज में देखे, सब कुछ चाहिए मुझे। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि आप लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैंने ही आशीष को बुलवाया।
आशीष के सभी करीबियों की तरह आप भी उसके पीने की आदत से काफी परेशान थे। हम सब उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी शराब की लत को लेकर सभी फिक्र करते थे। सिर्फ 24 साल का था आशीष, और बताइए किसी भटकते हुए अपने के लिए फिक्र करते हैं और वो सुधर नहीं रहा हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका खून कर देंगे, उसको मार देंगे। सर आपके लिए ये कत्ल सिर्फ एक केस है, लेकिन हमारे परिवार वालों पे क्या गुजर रही है हम ही जानते हैं। दर्द खामोश होता है, छुपा होता है, इसका ये मतलब तो नहीं कि होता ही नहीं। आशीष बाइक चलाता था, लेकिन उसको साइकिल तो उसके जो चच्चू ने सिखाई थी। और आप सलाम साहब। बोलो सुमन। साहब काफी फील्डिंग की है और लगता है ये स्वेटर वाले बंदे का कुछ पता चल रहा है। कोई मिला क्या? साहब मुझे लगता है ये स्वेटर वाला बंदा राजेश सोनावने है। कौन है ये राजेश सोनावने? करता क्या है? यही घोड़बंदर का लौंडा है सर। थाने के एक ऑफिस में प्यून की नौकरी करता है। हाथ पर और चेहरे पर ताजे घाव है सर। एड्रेस बोल। मैडम घुमा फिरा के मत पूछिए, जो पूछना है सीधे सीधे पूछिए। शिल्पा आशीष का मर्डर हुआ है, और जो जो हमारे सामने आ रहा है उनसे हमें यही लग रहा है कि आशीष का मर्डर सिर्फ लूट के इरादे से नहीं हुआ है, पहले मर्डर प्लान किया गया है। लूट तो सिर्फ एक कवर अप है। तो इन सब से मेरे संदीप दादा का क्या ताल्लुक? शिल्पा हमारे पास आशीष के दोस्तों की जितनी तस्वीरें हैं वो सब तुमने देखी, सीसीटीवी फुटेज में जो जो दिख रहा है वो भी तुमने देखा, पर हमें अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि उस दिन आशीष के साथ कंचन बार में कौन था। और अगर आपको लगता है कि मेरे संदीप दादा थे तो ये ख्याल अभी निकाल दीजिए। एक तो संदीप दादा पीते ही नहीं है, और दूसरी बात वो आशीष के पीने के सख्त खिलाफ थे, फिर वो उसके साथ बार में क्यों जाते? शिल्पा मेरा वो सवाल नहीं था, मेरा सवाल ये है कि तुम्हारे संदीप दादा इस बात से काफी चिढ़े हुए थे कि तुम अच्छे से अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही थी और आशीष के दारू छोड़ने का इंतजार कर रही थी, क्या ये सच है? तो शिल्पा क्या ये होने की संभावना है कि तुम्हारे संदीप दादा ने आशीष को तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए हटाने की सोच ली ताकि तुम अच्छा रिश्ता कबूल कर पाओ? सवाल ही नहीं उठता। मेरे संदीप दादा आशीष को कभी मरवा नहीं सकते, दादा किसी को नहीं मरवा सकते। शिल्पा एक तो पुलिस वाले की बकवास सुनी और ऊपर से मुझसे पूछने की हिम्मत कर रही है। अरे तेरे बाबा के जाने के बाद संदीप ने तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी? एक बाप से कम प्यार किया? अरे हमेशा सिर्फ तेरा भला चाहा है, और मर्डर तो क्या कोई गैर कानूनी काम भी करता ना तो जरूर पकड़ा जाता, फिर तेरा भला कैसे करता और खुद की जिंदगी भी बर्बाद करता। लेकिन मैंने किया क्या साहब? आप पूछना क्या चाहते हैं? मुझे क्यों ले जा रहे हैं साहब? बताइए साहब आप। तब मैं ऑफिस में प्यून की नौकरी करता हूँ, आप लोगों को गलत फहमी हुई है साहब। साहब सुनिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं साहब? बताइए साहब। लाल स्वेटर होने वाले के शक पर यूसुफ ऑलरेडी आपके लॉकअप में था, फिर एक और लाल स्वेटर सस्पेक्ट आपके पास आया था। उस वक्त हम किसी भी बात को लेकर श्योर नहीं थे, कोई क्लियर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, कोई एविडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा था, कोई मोटिव सामने उभर कर नहीं आ रहा था। आप आशीष के चाचा संजय जायसवाल के मोटिव को टटोल चुके थे, शिल्पा के भाई संदीप के मोटिव को भी चेक कर चुके थे। क्या कोई और मास्टरमाइंड था, कोई और करीब, शायद कोई सबसे करीब, जैसे कि रामकुमार जायसवाल आशीष के फादर? रामकुमार का मोटिव तो तगड़ा था, वो अपने बेटे की पीने की लत से काफी डिसअपॉइंटेड था, डिप्रेस था। हमने उसके इस एंगल को काफी बारीकी से टटोला, हमारे सामने अलग अलग सस्पेक्ट्स के अलग अलग मोटिव्स थे, पर किसी भी मोटिव से कोई कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे हाथ नहीं लग रहा था। बस हम लगे हुए थे कल्प्रिट के पीछे, ये मानकर चलते हुए कि एक वेल प्लान्ड मर्डर है। आशीष, आशीष, कैसा है भाई तू? हमेशा की तरह मस्त, तू बता। बस यार बढ़िया, तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बता ना क्या खबर है। सीसीटीवी फुटेज में जिस बंदे ने लाल स्वेटर पहन रखा था, जिस बंदे की बैग दिख रही थी सीसीटीवी फुटेज में, वो लाल स्वेटर इस केस को क्रैक कर पाया। यस, वो लाल स्वेटर। सच कहूं तो ये केस बहुत पहले क्रैक हो जाना चाहिए था। अरे
अरे ब्रिजेश, क्या हुआ ऐसे अचानक? बस दिल उब गया साहब, किसी और कॉलोनी में भी चलेगा, कर लूंगा। लेकिन भाई तू बढ़िया काम करता है, इस कॉलोनी के सब लोग तेरे काम से बहुत खुश हैं। अगर मैं तुझे एक और कहीं शिफ्ट करूंगा ना तो सोसाइटी वाले बोमा बोम करेंगे। बदल दो साहब। बताना पड़ेगा क्यों, क्या हुआ? बस वो सब जो हुआ, उस बेकरी वाले के बेटे का मर्डर ना। सब उस लड़के से दोस्ती थी हमारी। देख काफी समय हो गया है और तू उसका शोक वक्त भी मना चुका है, अब इतना इमोशनल नहीं होते। ये मुंबई है, यहाँ सब कुछ रुक सकता है लेकिन काम नहीं रुक सकता, समझा? वो बाइक से गिर गया था सर मैं। कब? कुछ एक हफ्ते पहले। कहाँ? आम चौक ऑफिस अवर सर, ऑफिस के बिल्कुल बाजू में। ये घोड़बंदर का ही रहने वाला है, 15 दिसंबर को इसके फोन की लोकेशन घोड़बंदर ही है। सर वहीं रहता हूँ, तुम वहीं की होगी ना? आशीष का मर्डर भी वहीं हुआ था ना। कौन आशीष? वही आशीष जिसका तूने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया। साहब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। तुम तीनों कुरला गए, फिर वहाँ से आशीष को अपने साथ लेकर तिलकनगर गए, वहाँ के कंचन बार में बैठ के दारू पी, फिर वहाँ की वाइन शॉप से दारू खरीदी और उसके बाद घोड़बंदर आए और वहाँ पर तीनों ने मिलकर आशीष का मर्डर कर दिया, उसके सारे जेवर लूट। अब हमें तू ये बता कि वो सारे जेवर किस चोरी को बेचे? साहब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ साहब, बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है साहब, मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। 15 तारीख को हर रोज की तरह अपने काम के बाद सीधा घर चला गया था साहब। कितने बजे? 7 बजे मैं घर चला जाता हूँ साहब, और उसके बाद घर से बाहर कदम नहीं रखता साहब। ये आशीष जायसवाल कौन है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता साहब। सर आशीष के सर्कल में मैंने सबसे पूछा, किसी ने भी राजेश सुनामने का नाम नहीं सुना है। वैसे गायत्री आशीष के घर वाले, कजन सनी, दोस्त किरण और कई करीबी लोग आशीष के सभी दोस्तों के बारे में जानते नहीं है। ये आशीष अलग अलग सर्कल्स में घूमता था। वैसे राजेश सुनामने की कोई हिस्ट्री नहीं है, पर शायद इस केस से बन गई है और शायद उसके दो साथीदारों की भी हिस्ट्री है। ए हवलदार, अरे बुलाओ अपने साहब को और बोलो उनको कि हम लोग का इस आशीष मंडर केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अरे जाने दो हम लोग को। यूसुफ खान, नबील बेग, ये सब ये लोग कौन है सर? मुझे नहीं पता साहब। और ये? मुझे नहीं पता साहब ये कौन लोग हैं। ए चुगली किसने की बे नबील? ए मुझे क्या देख रहे भाई साहब, अंगूठी बेचने कौन गया था? मैया तू? यार वो पुलिस वाले वही चंगूठी दिखा रहे थे ना। सुन यूसुफ, अब बोल डाल दिया, बहुत हो गया, नहीं तो बोलोगे ना बुरी वाली तुड़वाई कर देंगे पूरी वाली। सर वो यूसुफ खान और नबील बेग दोनों बोलने को तैयार। गुड। साहब 15 दिसंबर को हम लोग थाने गए थे साहब। ये तो हमें पता है, ये रहे तुम दोनों के फोन रिकॉर्ड्स। थाने क्यों गए थे ये बताओ। वो हम लोग बाबा मसूदे शाह दरगाह गए थे सर। एक शॉर्टकट में बता, वहां किससे मिलने गए थे, आशीष की सुपारी दी थी किसने? हम बाबा मसूदे शाह दरगाह पे किसी को मिलने नहीं गए थे, हम तो वहां है लोगों को हल्का करने गए थे साहब, हम जेब कते रहे। आगे बोल। हम लोग अपने इलाके में ये सब काम बिल्कुल नहीं करते, कुरला में हम लोग कभी थाना, कभी अंधेरी, कभी कुलाबा, ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हाथ साफ करते। अगर तुम लोगों की जेबें काटते हो तो वो अंगूठी कहाँ से आई तुम्हारे पास जो बेचने के लिए निकले थे? साहब वो अंगूठी हम लोग को एक आदमी के बटुए से मिली थी साहब, वो काफी भारी लग रही थी हम लोग को, तो हमने सोचा कि पुलिस का तगड़ा लफड़ा होएगा, इसलिए हम लोग मानखुर चले गए अपने एक दोस्त के घर, एक हफ्ता वहीं सुमड़ी में रहे साहब और फोन बीन सब स्विच ऑफ कर डाला। हम अपने धंधे की कसम खा के बोलते, हमें नहीं मालूम ये आशीष जायसवाल कौन है, इसका क्या लफड़ा है। और साहब वो लाल स्वेटर वाला बंदा मैं नहीं हूँ साहब, साहब मुंबई की ठंड में इतना जाड़ा स्वेटर कौन पहनेगा साहब। साहब हम लोग ने जितना भी पॉकेट मारा है ना वो सब एक जगह इकट्ठा करके रखा हो, आप हुक्म कर दो हम सब का सब सरेंडर कर देते हैं साहब। बस आप इस मर्डर विडर केस में हमको मत फंसाओ साहब। सर यूसुफ और नबील इन दोनों के चुराए हुए बटुओं में से एक एक आईडी कार्ड को ढूंढकर हमने सबके बटुए वापस कर दिए हैं।
और सर सबने कंफर्म भी किया है कि 15 दिसंबर को बाबा मसूद शाद की दरगाह पर इन सबकी पिक पॉकेटिंग हुई थी। मतलब यूसुफ और नबील दोनों सच बोल रहे हैं। तो फिर ये दोनों कौन है, ये लाल स्वेटर वाला और ये? सर राजेश सोनामनी के ऑफिस में लोगों से बात हुई, ऑफिस के बाहर भी बात की, गवाह है सर जिन्होंने उसे बाइक से गिरते देखा और उसकी मदद भी की। आशीष जसवाल मर्डर केस के साथ राजेश सोनामनी को लिंक करना मुश्किल है सर। सर चूंकि हमारे पास इस रेड स्वेटर वाले के फेस की पिक्चर नहीं है तो सर हम और हमारे खबरी लोग सभी गलत टेंजेंट पे जा रहे हैं। सर इतना तो कंफर्म है कि यूसुफ, नबील और राजेश इन तीनों का इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर क्या एक प्लान मर्डर नहीं बल्कि रैंडम ऐसे ही कर दिया गया मर्डर है? आशीष के दोस्त किरण के स्टेटमेंट और फोन इंस्ट्रूमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से हम ये बात जानते हैं कि आशीष 15 की शाम को तिलक नगर कंचनवार में ही था। फिर सीसीटीवी फुटेज में हमें दो बंदे दिखते हैं, उसके बाद एक बंदे का चेहरा दिखता है दूसरे सीसीटीवी फुटेज में जो सीसीटीवी वाइन शॉप के बाहर लगा हुआ था। इतना तो पक्का है कि ये दोनों बंदे आशीष की जान पहचान वाले ही थे और इस बात के फुल चांसेस हैं कि ये दोनों बंदे फेस टू फेस उसे बेकरी और पानीपुरी की स्टॉल के बीच में ही मिले होंगे। देख मैं अब भी कह रही हूँ काम करने थे मुझे, घर में कुछ हजार रुपए और आएंगे तो क्या बुरा है, क्या प्रॉब्लम है तेको? और ये पहले वाला डांस बार वाला डांस नहीं है, यहाँ बस ऑर्केस्ट्रा बजेगा और हम लड़कियों को थोड़ा हिलना डुलना है और कस्टमर्स को ड्रिंक देनी है बस। अच्छा हिलना डुलना है, कस्टमर्स को ड्रिंक देनी है, फिर उसके बाद वो खुश होकर तुझे टिप भी देंगे है ना? तो इसमें बुरा क्या है? कुछ बुरा नहीं है, पहले वो तुझे टिप देंगे फिर वो तुझसे कुछ और चाहेंगे फिर तुझे बड़ा नोट दिखाएंगे फिर तू सोचेगी कि पहले भी किया है तो अब करने में क्या बुराई है, फिर तू उनके साथ किसी होटल में जाएगी उनके रूम में जाएगी यही होगा ना? अरे मैं ऐसा नहीं होने देगी, अब मैं तेरी बीवी है भरोसा कर मुझ पे। और तू मुझ पे भरोसा कर, जितना कमा लेता हूँ उतना काफी है हमारा घर चलाने के लिए और हम उसी पे चलाएंगे, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। आई मैं ऑफिस ला चल ले। अरे मम्मा मेरे बर्थडे पे पूरे चौल को सजाना है, हर एक के घर केक जाएगा, ये सब 10,000 में कैसे होगा? देख बेटा अभी मेरे पास जमा किए हुए इतने ही, बाकी तो अपने पापा से ले लेना बेकरी पर। ओके डार्लिंग। थैंक यू मां। बर्थडे जैसा मनाना है मना ले बेटा, जिस जिसको बुलाना हो जो कुछ करना हो सब कर दे, पैसे मैं दूंगा। बस बेटा इस 25वें जन्मदिन पर एक कसम खा ले कि आज के बाद कभी शराब को छुएगा तक नहीं। ब्रिजेश बोल, कुछ चाहिए था? राम भैया आशीष बाबा को छोटा भाई जैसा प्यार करता था, रोज हमारे लिए शिवपुरी लाता, छोटा भाई था हमारा। हो सके तो ये यादें अपने अंदर ही रखना, हर बारी आते कुछ ऐसा कहते हो कि मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा दर्द से। शाह कुरला यहां गोड नंबर। सर अब तक हमारे पास ऐसे 45 सस्पेक्ट हैं जो पीछे से देखने पर स्वेटर वाले की तरह दिखते हैं और तकरीबन 8 से 10 सस्पेक्ट ऐसे हैं जो वाइन शॉप वाले लड़के की तरह दिखते हैं। अब अगर तिलक नगर कुरला और घोड़बंदर में 15 तारीख शाम को 5:30 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक कॉमन फोन नंबर्स निकालेंगे सर तो लाखों में होंगे। ये सेंट्रल लाइन है सर, डेली लाखों लोग अप डाउन करते हैं कुरला से थाना, जहाँ से उतर कर लोग घोड़बंदर भी जाते हैं। और सर घोड़बंदर अपने आप में बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया है,
पिछले 3 हफ्तों से एक ब्रेक थ्रू हाथ नहीं लगाया हमारे। किसी ना किसी तरीके से हमें इस केस को क्रैक करना ही होगा। हमारी शक की सुई लाखों लोगों पर टिकेगी सर। और कोई कंपास है हमारे पास? इन दोनों बंदों की ट्रैकिंग में हेल्प करने के लिए और कोई सुराग है हमारे पास? नो। ना तो आशीष ने इन दोनों को फोन किया और ना ही इन दोनों ने आशीष को फोन किया। ये दोनों बंदे आशीष को रास्ते में मिले होंगे और फिर आशीष गायब। अब ये सब स्पॉन्टेनियस हुआ या फिर बहुत ही शातिर प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया, ये तो ये दोनों बंदे ही हमें बता सकते हैं। और रही बात हमारे तरीके की, तो श्योर ये पागलपन ही होगा दो ऐसे नंबर्स को खोजना जो उस वक्त एक ही फ्रेम में थे, कुरला, तिलक नगर, गोडबंदर। लेकिन ये पागलपन ही कोई ना कोई ऐसी लीड देगा जो नो लीड्स के काले बादलों को इस केस के ऊपर से हटाएगी। सर, जब यूसुफ खान पिक पॉकेटिंग का कन्फेशन कर रहा था तब उसने एक बात कही थी। साहब, मुंबई की ठंड में इतना जाड़ा स्वेटर कौन पहनेगा साहब? सर, वैसे तो हमारी मुंबई में उतनी ठंड पड़ती नहीं है, ज्यादातर लोग फोटो में बिना स्वेटर के ही दिखे हैं। आशीष भी बिना स्वेटर के है और ये दूसरा वाला बंदा, इसने भी सिर्फ टी शर्ट ही पहना हुआ है। सिर्फ एक रेड स्वेटर वाला बंदा है जिसने तिब्बतन टाइप मोटा वाला स्वेटर पहना है। सर, गायत्री के ऑब्जर्वेशन में पॉइंट है, आशीष मुंबई का है, ना तो इसने कोई स्पेशल कपड़े पहने और ना ही इस दूसरे बंदे ने, तो शायद ये भी मुंबई का होगा। लेकिन सर, ये तीसरा बंदा जिसने स्वेटर पहना है, हो सकता है कि मुंबई के बाहर से हो। गुड पॉइंट, एक्चुअली वेरी गुड पॉइंट। अगर ये बंदा आउट ऑफ मुंबई से है तो फिर इसका नंबर भी मुंबई का नहीं होगा। सर, ऐसे नंबर तो लाखों में काफी कम हो, बल्कि बहुत कम हो। बट सर, आंखों पर पट्टी बांध के चलने जैसा होगा ही। आंखों पर पट्टी बांध के चलना सही, पर कहीं तो पहुंचेंगे, कुछ तो शक बदलेगी हमारे इस केस की। लग जाते हैं। आउट ऑफ मुंबई के 147 नंबर्स में से 146 नंबर ट्रेस में गायत्री, बस यही एक ऐसा नंबर है आउट ऑफ मुंबई का 4456781766 जो कोरला में था, तिलक नगर में था और घोड़बंदर में था, क्राइम के टाइमलाइन में, और जो इस वक्त स्विच ऑफ आ रहा है। 4456781766 कहाँ का है नंबर? बिहार का, रिपीट नंबर है सर, किसी ललन गुप्ता के नाम पर। सर, 15 दिसंबर को पहली बार इस नंबर ने मुंबई के एक नंबर को कॉल किया, इसके पहले ये नंबर बिहार में ही रहा है, जगतपुर टू मुंबई रूट पर। और ये नंबर किसका है जिसे मुंबई में ललन गुप्ता ने दोपहर के 12:30 बजे फोन किया था? इस नंबर की डिटेल्स मंगवाई है सर। इस नंबर के ऑनर को ट्रेस करो, उठाओ। अब ये केस क्रैक होना ही होना है। हेलो, रमेश विश्वकर्मा। हाँ जी, बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं ASI गायत्री शिंदे, थाने क्राइम ब्रांच से। जी, मैं ललन गुप्ता को जानता हूँ, वो जगतपुर बिहार का रहने वाला है। और आप सही कह रहे हैं, 15 दिसंबर को उसने मुझे फोन किया था। ललन गुप्ता यहाँ आया था मुंबई? जी हाँ। कौन है ललन गुप्ता? जी, हमारे यहाँ चौल में गोपाल दास नाम का एक लड़का रहता है। अब मेरे दोस्त गोपाल का दोस्त तो मेरा भी दोस्त बन गया। ये अपने गाँव वापस कब लौटा जगतपुर? दरअसल वो मेरे यहाँ नहीं रुका था, गोपाल दास के यहाँ ठहरा हुआ था। कहीं तुम्हारा दोस्त ललन गुप्ता ये तो नहीं? नहीं जी, ये तो गोपाल दास है जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। गोपाल दास कहाँ मिलेगा ये? किसी बिल्डिंग साइट पे काम करता है, घोड़बंदर साइट की कोई बिल्डिंग सोसाइटी है। साहब, ये रहा गोपाल दास। कैसा है? मस्त। तू सुना, कैसे आना हुआ? बस यार बढ़िया, तुझसे ही मिलने आ रहा था। हाँ तो बता ना, क्या खबर है, आज यहाँ कैसे गोपाल? अरे कुछ नहीं यार, यहाँ से गुजर रहा था, तेरी याद आ रही थी, हमने सोचा तुझसे मिलते चले। हम लोग तेरी बेकरी आ रहे थे तुझसे मिलने। हम लोग? और लोग कहाँ पर है भाई? अरे सब वहाँ तेरा इंतजार कर रहे हैं, तू चल तो सही। अच्छा, सस्पेंस बना रहे हैं, आ जा बैठ जा। अरे आशीष जायसवाल। अबे साले सुशील, तो तू था सस्पेंस? कब आया? बस आज ही। अच्छा, अब तुम्हारे शहर आए थे तो गोपाल से कह दिए भाई देखने को तुम हो कि नहीं। अब हमारा एक दोस्त है, उसको मिलवाना है तुमसे। हाँ तो ढंग से बैठते ना यार किसी बार में, क्यों और क्या, नेकी और पूछ तो कंचन में बैठते हैं अपना, तिलक नगर वाला। हाँ सही है, मैं ना अपनी बाइक पार्क करके आ जाता हूँ, फिर उसका लंबा प्रोग्राम बनाते हैं, 2 बोतल पूरी। गोपाल दास, देख हम थक गए हैं ये सुन के कि मैं आशीष जायसवाल को नहीं जानता, मैंने उसका नाम तक नहीं सुना वगैरह वगैरह।
अब हम ये सुनना चाहते हैं कि मैं आशीष जायसवाल को जानता हूं और मैंने ही दो लोगों के साथ मिलकर उसे मार डाला है। नाम बोल उन दोनों के, प्लान बोल। सर, सुशील पहले से ही प्लान बनाकर आया था। जाएंगे और हम तीनों में से अपना फोन कोई भी नहीं ले जाएगा, उसको पिलाएंगे, उसको रज के पिलाएंगे और उसके बाद उसको उसको ले जाएंगे, समझे? समझ गए। अरे गोपाल, ऐसा करो तुम जाओ, हाँ लेकिन बेकरी के नजदीक मत जाना, वो दूर ही मिलेगा। ऐसी बात कर रहा है यार ये, अब हम बेकरी के इतनी दूर से खड़े होकर आवाज देंगे तो अजीब नहीं लगेगा? बताओ यार। अबे यार, वो खुद निकलेगा बेकरी के बाहर, यही टाइम के आसपास वो पानी पूरी खाने निकलता है बाइक पे, तो जैसे दिखे ना उसे आवाज मारना। ठीक है, हम समझ गए, बुला के लाते हैं। अरे यार, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा यार। भाई हमें तो लगता है वो आशीष ना अपने उस गोचू गोपाल को पानी पूरी खिलाने लग गया हो। लल्लन अगर पानी पूरी वाले ने उन दोनों को देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करो तुम पहुंचो कंचन, हम इन दोनों को लेके आते हैं। पहुंचो। सुशील, फिर हम दोनों को रास्ते में मिला, फिर उसके बाद वो अपनी बाइक पार्क करने पार्किंग में चला गया। फिर जब वो बाइक पार्क करके आया तो हम तीनों कंचन पार्क की तरफ चल दिए। वहां लल्लन पहले से ही हम लोगों का इंतजार कर रहा था। सर, हम लोगों को पता था कि कंचन बार में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे। सुशील और लल्लन लेकर आए थे प्लान? जी जी सर। आशीष को क्यों टारगेट बनाया? सुशील भी तो जानता था आशीष को, फिर तुझे सामने क्यों किया? वो खुद क्यों नहीं गया बेकरी के पास? सर, बेकरी के पास कैसे जाता वो, उसके भैया देख लेते उसे, फिर हम लोगों का सारा प्लान चौपट हो जाता। सुशील का बड़ा भैया कौन है? सुशील का बड़ा भैया और कैसे देख लेता वो? मैडम, मुझे नहीं मालूम था कि ये लल्लन और गोपाल क्या खिचड़ी पका रहे हैं और किसके साथ कहाँ जा रहे हैं। मैं तो बस इनका पड़ोसी हूँ, इस नाते इनको जानता हूँ। ये आशीष वाशीष कौन है मुझे नहीं मालूम है। ये फोटो भी तो आपने मुझे अभी दिखाई है ना, आपने पहले बताया होता तो मैं डायरेक्ट वही बोल देता ना, ये सुशील है। और जब मैं आपको गोपाल का बता सकता हूँ तो सुशील का क्यों नहीं? सुशील के भैया ब्रिजेश भैया। ब्रिजेश? ब्रिजेश कनौजिया, आशीष के बेकरी के सामने वाली बिल्डिंग में वॉचमैन है वो। और साहब, ऐसे पीछे से देखकर कौन पहचान पाएगा कौन है दोनों? प्रणाम भैया। सुशील, 15 दिसंबर को तुम मुंबई में थे। सुशील, हमारे सवाल का जवाब क्या नहीं दे रहे हो? आए थे मुंबई? हाँ भैया, आए थे। सुशील, हमने तुम्हारा और गोपाल का फोटो देखा आशीष बाबा के साथ। तुम दोनों ने मिलकर मारा आशीष बाबा को? सुशील, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम फोटो में हो। सुशील, सच सच बताओ, तुमने मर्डर किया आशीष बाबा का? अब आगे तो रुक जाओ ना यार। सुशील, लल्लन, गोपाल, तुम तीनों को मेरे बर्थडे में आना होगा यार। जरूर आएंगे यार। पक्का? पक्का आएंगे ना भाई, भाई का 18वां जन्मदिन जो है। अपन मरते दम तक 18 के ही रहेंगे, नो टेंशन, फुल मस्ती। हाँ आशीष, बोल भाई। हाँ हेलो, कहाँ है तू? घर पे यार, और कहाँ? ये बता तू कहाँ है? यार मैं तो ये कंचन बार में बैठा हूँ, तिलक नगर वाले। तुम मैं बहुत पी लिए यार, तू आ सकता है क्या पिकअप करने? यार अकेले घर नहीं जा पाऊंगा। वही 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 है यार, वही है। आजा भाई। भाई आशीष, इतनी भी जल्दी क्या है? और तुम्हारी कैपेसिटी को क्या हुआ भाई? दो खंभों की बात हुई थी और तुम तो एक में आउट। अब इतने दिनों बाद बैठे हैं ना, तो ढंग से बैठेंगे और जम के पिएंगे। मूवी क्या याद रखोगे ऐसी क्या बात है? सुनो भाई, दो खंबे और एक बात बोले हम। हमको ना यहाँ पर एकदम मजा नहीं आया, बहुत घुटन सी लग रही। खुले में बैठ के आराम से घोट मारते, वैसे भी मुंबई की ठंडी तो कुछ
खास है नहीं। हाँ भाई ठीक है, क्यों आशीष? अपन हमेशा रेडी दोस्तों के साथ एंजॉय करने, लेकिन तुम में से किसी एक को मुझे घर छोड़ना होगा। अब बाइक नहीं चला पाऊंगा मैं, बहुत पी लिया मैंने। हाँ, और इतनी जल्दी मरने का ना मुझे कोई शौक भी नहीं है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन साले, तुम्हें हम पहुंचा देंगे। हाँ आशीष। हाँ सुन, तू निकला नहीं ना यार, रहने दे यार, मैं आप थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ, आई कैन मैनेज। आशीष पक्का ना भाई? छह स्ट्रॉन्ग बियर देना। ये जाम आशीष के नाम। चीयर्स। आखिरी बोतल। नहीं यार, क्या कर रहे हैं यार? नहीं 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 आशीष भाई, अब नहीं पी जाएगी मेरे से। नहीं नहीं नहीं। अरे आशीष भाई। बोलो भाई। एक बात बताओ। बोलो भाई। अपना बर्थडे की पार्टी कहाँ दोगे? कल बर्थडे मेरा, घर पे दूंगा। कल करेंगे पार्टी यार, ऐसी बात नहीं है, पर घर पे नहीं पियेंगे यार, मम्मी पापा है, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ भाई। भाई तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे घर पे तो पी नहीं पाएंगे। नहीं घर पे नहीं पी पाऊ यार। तो तुम्हारा जन्मदिन हम आज मनाते। ये अबे आखिरी बोतल है। बर्थडे टू यू। चल चल चल। चीयर यार। बर्थडे डियर आशीष। आशीष उठो चलो। घर घर चल रहे, चलो उठ घर चल। आशीष आ जाओ आ जाओ। हाँ घर आ गए, आ जाओ घर पहुंच गए। आ जाओ सुशील, तुमको हमारी कसम है, अम्मा बाबू जी की कसम है, सच बोलो तुमने मारा आशीष बाबू को? हाँ भैया, हम मार डाले आशीष। काहे का बिगड़ा था रे आशीष बाबू ने तुम्हारा? हम भी क्या करते भैया, अगर जिंदा रखते तो हम मारे जाते ना। इसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ के मिलना, पूरे 20,000 एकदम नकद, बिल्कुल करा रहे। अरे लल्लन हेलो। हाँ बोल रमेश। हाँ लल्लन भाई, आज तुम मेरे यहाँ रुकने वाले हो या फिर गोपाल के यहाँ जाने वाले हो? नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे, मुझे थोड़ा काम है। क्या हुआ तुम लोगों को? क्या हुआ? दस साले हो क्या? हमने 10 बार साफ साफ कहा था कोई अपना फोन साथ नहीं लाएगा, और वो भी चालू रखे हो साला फुटपक। पगला गए हो क्या तुम लोग? आदत से मजबूर है, ले आए फोन, अब काहे एटम बम की तरफ फट रहे हो? अगर उसे जिंदा पैसा चाहिए था तो ईमानदारी से कमाता। हाँ नहीं तो खेत में मजदूरी करता, उससे भी कुछ ना होता तो यहाँ बम्बई चला जाता, कोई ना कोई नौकरी तो लग ही जाता ना रे। उन्हें क्या कर दिया रे, उन्हें अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वो आशीष बाबा हमारा छोटा भाई जैसा था। हम आपके छोटे भाई जैसे नहीं, हम आपके छोटे भाई हैं भैया। अब भैया पुलिस वुलिस के चक्कर मत पड़िएगा, किसी को भनक तक नहीं लगेगी किसने किया क्यों किया। आप टेंशन मत लीजिए, हमारी प्लानिंग एकदम परफेक्ट थी। अरे मूर्ख, इतना भयंकर काम करके कोई बच सका है?
हाँ, हम नहीं देखे तो क्या हुआ? एक ऊपर वाला की नजर, एक कानून की नजर, उससे कोई नहीं बचा है। राजेश कनौजिया, जगतपुर में तुम्हारी भाई का मोबाइल स्विच ऑफ है, ललन का नंबर भी बंद है। अब तुम बात करोगे अपने भाई से? सर, सुशील कनौजिया हाथ में आ गया है। और ललन गुप्ता? सर, जब हम इस सुशील को उठवाने गए थे तब ललन को हवा लग गई और वो भाग गया। खबर है कि यहीं पटना में किसी लॉज में छुपकर बैठा है। वो जहां भी है उसे साथ लेकर आ। जी सर। एक सवाल तुम तीनों से, तुम लोगों का प्लान आशीष को सिर्फ लूटने का था, क्या फिर तुम लोगों को खास मुंबई बुलाया गया था? किसने सुपारी दी थी आशीष की? नहीं साहब, हमें किसी ने सुपारी पर नहीं दी थी साहब। हम मुंबई आते थे अपने बड़े भैया ब्रिजेश से मिलने, तो सर हम आशीष से भी मिले थे और फिर सर आशीष से हमारी दोस्ती हो गई। हम सर जब वापस गांव गए तो हमने बात बताई लल्लन को। हम जगतपुर से नशीली दवाई लेकर यहां आ गए। जब आए तो हमने गोपाल को भी साथ में ले लिया। हमको पैसे चाहिए थे इसलिए हमने आशीष को मार दिया। सिर्फ 3 अंगूठियां, 2 गले की चेन, 1 कान की बाली और 20,000 रुपए के लिए? जगतपुर वापस कब लौटे? 2 दिन के बाद। तेरे बड़े भाई ब्रिजेश का क्या था इसमें? नहीं नहीं साहब, साहब ब्रिजेश भैया को तो पता भी नहीं था कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हमें आशीष को मारना पड़ा। अगर उसे ना मारते तो हमारा नाम ले लेता और हमारे साथ साथ हमारे भोले भाले भैया ही फंसते। भरत मुलाब के बाद ये एक स्टोरी है, आंखें नम कर दी इसने। सुशील, जिस आशीष को तूने मार डाला वो हर रोज तेरे बड़े भाई को नाश्ता करवाता था। उसके पिता हर रोज तेरे बड़े भाई के साथ अपने खाने का डब्बा शेयर करते थे। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तू एक जवान लड़के से उसकी जिंदगी छीन रहा है, क्या बीतेगी उसके मां बाप पर? शराब का शौक लत बन गई और उस लत का कहीं ना कहीं इस दुखद अंत में हाथ था। और सर, अगर उस शाम आशीष ने खुद से कहा होता कि आज शराब नहीं पिएंगे, आज बार नहीं जाएंगे, तो शायद आज आशीष जिंदा होता। अगर, हाँ अगर, पर इस अगर के साथ बहुत सारे मगर भी तो जुड़े होते हैं। मगर वो अपने आप को रोक नहीं पाया, मगर उसका शौक उसका लत बन चुका था और लत गुलामी। एक्चुअली इस केस में अगर ही अगर है। अगर आशीष होश में रहता, अगर उसे अपनी लिमिट पता होती तो ये केस ही नहीं हुआ होता। शायद शिल्पा के साथ उसकी शादी हो गई होती। अगर वॉचमैन ब्रिजेश कनौजिया ने सीसीटीवी फुटेज देखकर अपने छोटे भाई आरोपी सुशील के बारे में हमें तुरंत बता दिया होता तो ये केस तभी क्लोज हो जाता। महीने भर हमें इस केस के हर एंगल को टटोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर ब्रिजेश कनौजिया ने ऐसा नहीं किया। ये अगर मगर का झूला दरअसल हमारे स्वभाव की लगाम बन जाता है, हमारे करैक्टर का, हमारी गरिमा का एक मापदंड बन जाता है।
कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ और होगा। और ये मापदंड हर जगह लागू होता है, हमारे काम में, हमारे रिश्तों में, या फिर इस आभास में कि अगर हमने एक सिंगल कदम आगे बढ़ाया तो ये कदम हमें बहुत पीछे या नीचे ले जा सकता है, हमें तबाह भी कर सकता है। पर इस आभास का हमारे अंदर पैदा होने के साथ भी एक अगर जुड़ा है, एक बहुत बड़ा अगर। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।